हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग, पिक एन ऑप्शन रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्यूअर्स कि रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, यानी कि जितने महीने गुजर चुके हैं वो गुजर चुके हैं, अब बाकी जो 2022 आपका रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो हम देखते हैं कि आपका रिमेनिंग रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या और चेंजेस आ सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि दो ऑप्शंस पहले हम रखते हैं, फिर आप उसमें से आप डिसाइड कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीडिंग सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है व्यूअर्स। ओके, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ठीक है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक एक साल, दो साल, पांच साल, दस साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हों, आप जब भी इसे देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शंस रखते हैं हम। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये एक हॉर्स है, एक घोड़ा है और ये एक स्वास्तिक का साइन है। ठीक है, तो ये जो हॉर्स है ये ऑप्शन नंबर वन है। ओके, आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, ये हॉर्स जो है ये ऑप्शन नंबर वन है और ये जो सतिया का साइन है यानी कि स्वास्तिक का जो सिंबल है ये ऑप्शन नंबर टू है। ओके, तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप मन में प्रश्न रखिए कि आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लीजिए, और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे और सांस छोड़ेंगे, जिस पहले ऑप्शन पर आपकी नजर पड़ेगी वो आपका आपकी रीडिंग हो सकती है, आपकी पाइल है। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूजन में कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसा जो आपके लिए रेजोनेट नहीं हो रहा है, जिसमें आपके लिए मैसेजेस नहीं है, तो आप एक बार अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरी पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वर्क होने के कारण आधे मैसेजेस इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि आधे मैसेजेस किसी पाइल में और आधे किसी पाइल में। ओके, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए व्यूअर्स आप लोग पहले सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, अगर अभी नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर वन यानी कि जिन्होंने इस हॉर्स का चयन किया था, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। देखते हैं कि आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा बीतेगा।
ओके आई जस्ट नीड अ मैच बॉक्स, गिव मी अ मोमेंट. आइए देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट अच्छे से शफल करते हैं कि आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा. स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस. ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स. ओके व्यूअर्स, चलिए आगे देखते हैं कि आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा. ओके वाओ, थ्री ऑफ कप्स अनफोल्ड हुआ है, आई होप इट इज विजिबल. थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स. ओके ठीक है, तो आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा देखते हैं. पहली चीज व्यूअर्स मुझे यहां पर जो दिख रही है वो ये है कि रेस्ट ऑफ 2022 में आपके लिए अबंडेंस बहुत है, यानी कि यहां पर आप काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो सकते हैं, आपको फाइनेंशियल गेन बहुत हो सकता है. ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम थी, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने करियर से, कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को अगर आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है व्यूअर्स कि आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है रेस्ट ऑफ 2022 में, यानी कि जो भी महीने बचे हैं 2022 में उसमें आपको फाइनेंशियली काफी अबंडेंस मिलने वाली है. यहां पर फाइनेंशियली आप काफी सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं, काफी लोगों के लिए प्रमोशंस हो सकते हैं. अगर जॉब नहीं है तो जो जॉब आपको चाहिए थी, जो आपकी डिजायर्ड जॉब थी, वो आपको मिल सकती है. या आपका बिजनेस ग्रो करेगा, या आप बिजनेस सेटअप करेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. या अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं या आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको सक्सेस उसमें भी मिलेगी. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब तक का जो 2022 आपका रहा है, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो मुझे आगे ऐसा लग रहा है कि आगे फ्रूट्स मिलेंगे आपको, आपके मेहनत के परिश्रम का फल मिलने वाला है आपको, ऐसा नजर आ रहा है. और बिल्कुल आपने सोचा था उससे भी बेटर मिल सकता है, इसीलिए आपको अपने थॉट्स भी पॉजिटिव रखने होंगे. ठीक है, सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आप वेल्दी हो रहे हैं, सिर्फ पैसा आ रहा है, यहाँ पर पैसा खुशियों के साथ आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी भी बहुत फील करने वाले हैं. ओके व्यूअर्स, यहां पर मुझे आपके लिए ये भी लग रहा है कि सेलिब्रेशन का समय आ रहा है, या तो आप में से काफी लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, ओके, या शादी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होने वाला है. ठीक है, घर परिवार में किसी की शादी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है आपका जन्मदिन अभी आने वाला हो. ओके, जो मंथ अभी बीते हैं उसमें आपका अगर जन्मदिन नहीं आया है, तो जो अपकमिंग मंथ्स हैं उसमें हो सकता है आपका जन्मदिन आने वाला हो. तो यहां मुझे लग रहा है अगर ये बात कुछ फंक्शन की है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी सक्सेस भी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, आप पार्टी करते हुए दिख रहे हैं. अगर आपके खुद की पार्टी नहीं है, आपका खुद का ऑर्गेनाइज किया हुआ फंक्शन नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी फंक्शंस अटेंड जरूर करेंगे, फैमिली के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे, फैमिली भी आपसे बहुत खुश रहेगी, सब लोग आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, और आप भी काफी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा है आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ, आप पार्टी कर रहे हैं, किसी चीज का जश्न मना रहे हैं, कोई खुशी मना रहे हैं, ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो कोई खुशियों की बात है, आपके घर में कुछ खुशी आ सकती है, ऐसा लग रहा है. और आप भी व्यूअर्स रेस्ट ऑफ 2022 में काफी इंजॉय करते हुए, काफी लाइफ को खुल के जीते हुए नजर आ रहे हैं. ओके, यहां मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि ऐसा हो सकता है अभी भी कि आप किसी को लेकर एफर्ट्स लें, किसी को लेकर कुछ एक्शंस लें, किसी को चेस करने की कोशिश करें, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा.
ओके मैं ये नहीं कह रही कि सामने से कंप्लीट रिजेक्शन आ जाएगा, बट ऐसा लग रहा है जैसे आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वैसा रिएक्शन नहीं आएगा, वैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि मैं इतने एफर्ट्स ले रहा हूँ, ले रही हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कॉपरेट नहीं कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे यू नो कनेक्शन को मेंटेन करूँ, कैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। तो मुझे यहाँ आपको यू नो ऐसा लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी मुझे यहाँ पर ऐसा ही नजर आ रहा है जैसे आप अपनी लाइफ को, अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपनी सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके वेरी गुड। ओके राइट व्यूअर्स, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है आप काफी मैच्योर होने का अनुभव करेंगे। ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप में मैच्योरिटी थी, या आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते थे, ये बहुत सेंसिटिव रहते थे हर चीज को लेकर, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि अब आप मैच्योरली हैंडल करेंगे सारे सिचुएशंस को। चाहे आपको ऐसा लगे कि मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, चाहे आपको सक्सेस मिल रही है, ओके तो आप हर चीज को मैच्योरली हैंडल करेंगे, किसी भी चीज का यू नो इंस्टेंट कोई रिएक्शन नहीं देंगे, सोच समझ के सारी चीजें करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं अब तक थोड़ी सैडनेस रही होगी लाइफ में, कोई दुख रहा होगा आप में से काफी लोग, ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर रोए भी हैं काफी, बट अब ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स सक्सेस के साथ सेलिब्रेशन जो आ रहा है वो आपकी लाइफ को वापस रिजुविनेट कर देगा, आपकी लाइफ में वापस रंग भर देगा, ऐसा लग रहा है। ओके यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने पेशेंस बहुत रखा है, ठीक है, आपने पेशेंस बहुत रखा है, धैर्य बहुत रखा है सक्सेस मिलने के लिए, यू नो बेनिफिशियल आउटकम मिलने के लिए, यू नो इस यू नो सेलिब्रेशन का इंतजार बहुत किया है जो आप अब आप करने वाले हैं एंजॉय, उस मोमेंट को जो आप जीने वाले हैं उसके लिए आपने परिश्रम भी बहुत किया और धैर्य भी बहुत रखा। अब यहां पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में जो थोड़ा सा यू नो यहां पर मुझे ब्लॉकेज दिखा है, थोड़ा सा हर्डल दिखा है कि आप अगर कुछ किसी के लिए करेंगे तो रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो इस उस एरिया में भी आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखें। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको इस चीज में भी यू नो अच्छा फल मिलेगा, इस चीज में भी जो आप सोच रहे हैं वो चीज आप कर पाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपको थोड़ी हेल्प कर पाई हो, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया हो। ओके अगर इस रीडिंग से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, दूसरी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन टू देख सकते हैं, हो सकता है उसमें कुछ मैसेजेस हो आपके लिए। ओके व्यूअर्स, ओके व्यूअर्स, तो जिन्होंने ये स्वास्तिक का साइन चूज किया था, ये सतीहा का सिंबल चूज किया था, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है कि आपका रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा। ओके स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। Eight of Wands. Okay. Six of Pentacles. Interesting. और ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है. Page of Wands. Interesting. Okay. व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2022 में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी बात हो सकती है, ऐसे किसी व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई
डीप लेवल कॉन्वर्जेशन हो सकती है जिसके साथ आप बात करने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे, या बहुत समय से जिसके साथ आपकी कोई बात हुई ही नहीं है, जिसके साथ आप चाहते थे कि मेरा इनसे इंटरेक्शन हो। हो सकता है ये फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात हो रही है कि फेस टू फेस आप अगर उनसे बात करना चाहते थे, या कोई हार्ट कन्फेशन है जो आप चाहते थे कि कोई आपसे करे, यू नो आप चाहते थे कि कोई आपसे अपने मन की बात को कन्फेस करे। तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कन्फेशन भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, कि रेस्ट ऑफ 2022 जो है वो आपके लिए ऐसा रहेगा कि अगर आपने एक्सपेक्ट किया है, वेट किया है किसी के कम्युनिकेशन का, किसी के कन्फेशन का, तो यहां पर आपको वो कन्फेशन मिल सकता है। ओवरऑल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कम्युनिकेशन, कन्फेशन, इसकी बहुत एनर्जी है, बातें करने की, एक्सप्रेस करने की एनर्जी बहुत है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करना, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के साथ बात जिसके साथ ज्यादा बात नहीं हो रही है, या तो बिल्कुल नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, ये बहुत कम हो रही है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के साथ आप मुझे कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, और उस कम्युनिकेशन से आप काफी खुश भी हो रहे हैं। तो आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन या कॉन्वर्जेशन आ रहा है, डीप लेवल कन्फेशन भी आ रहा है, तो ये रेस्ट ऑफ 2022 में जरूर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। काफी लोग अगस्त में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगस्त मंथ में, ओके। यहाँ व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी आपका कनेक्शन था, जो भी रिलेशन था, उसमें भी और आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपका एक्सचेंज बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि जितना आप लोगों के लिए कर रहे हैं या करेंगे उतना ही लोग भी आपके लिए करेंगे। जितना आप लोगों को सपोर्ट करेंगे उतना ही लोग भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जितना आप लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, खुश रख रहे हैं, उतना ही लोग आपकी केयर कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी यही हो रहा है, जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा, ओके। अगर अब तक नहीं मिल रहा था या कुछ इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व होंगे, और जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उतना ही आपको रिटर्न में भी मिलेगा, ओके। जितना आप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको सामने से भी मिलेगा। सेम गोज फॉर योर करियर, अगर आप अपने करियर के लिए जितने एफर्ट्स डाल रहे थे, जितना हार्डवर्क कर रहे थे, आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। सेम गोज फॉर योर लाइफ, सेम गोज फॉर योर रिलेशनशिप, ओके। जितना आप कर रहे हैं, जितना आप इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को किसी चीज में, आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि एक्सचेंज आपका अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रेस्ट ऑफ 2022 में आप काफी लोगों की मदद करते हुए, हेल्प करते हुए नजर आएंगे, तो लोग आपसे मदद मांग सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, आपके बस में है, तो मना मत कीजिएगा, कर दीजिएगा, इसमें आपका फायदा मुझे दिख रहा है, ओके। यहां मुझे व्यूअर्स ये भी चीज दिख रही है कि आप के साथ कुछ ऐसी, यू नो, कुछ ऐसा मोमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, या तो आपको अप्रिसिएशन भी बहुत मिलने वाला है। काफी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने लुक्स में कोई चेंजेस कर सकते हैं, हेयर कलर या यू नो हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, या अपने वेट में भी कुछ यू नो चेंजेस कर सकते हैं, वेट लूज करना, गेन करना, तो कुछ तो आप अपने अंदर ऐसा बदलाव कर सकते हैं जो लोग नोटिस करेंगे और आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो जो तारीफ सुनकर आप आई थिंक काफी यू नो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाले हो, काफी आपको अच्छा लगने वाला है, यू नो, तो काफी कॉन्फिडेंस में मुझे आप लग रहे हो आते हुए अगले जो बचे हुए महीने हैं 2022 के, उसमें आप काफी कॉन्फिडेंस में आते हुए लग रहे हैं मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं आगे इस रीडिंग को। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, ट्रस्ट कंप्लीशन एंड ट्रस्ट, आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड। लेट गो, ओके। तो व्यूअर्स यहां पर पहली चीज मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ अगर आपकी लाइफ में अधूरा था अब तक, ठीक है, इतने मंथ जो 2022 के जितने भी बीते हैं, या आपकी लाइफ में अब तक जो समय बीता है, अगर आपको कुछ लगता था कि कुछ ऐसा है जो इनकम्प्लीट है,
कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना आपका जीवन, आप अधूरे हैं, तो मुझे लग रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। अगर किसी के बिना आप अपने आप को इनकम्प्लीट या अधूरा महसूस करते थे, तो कहीं ना कहीं वहां आपको यूनियन मिल सकता है, वहां आप कंप्लीट महसूस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करियर है, अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जो आप परस्यू करना चाहते थे, जो आप फॉलो करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधूरा रह गया, कोई कोर्स था, कोई ऐसी स्किल थी जो आप प्राप्त करना चाहते थे लेकिन वो अधूरी रह गई, तो मुझे लग रहा है कि अब आप पूरा करेंगे उसे। किसी ने पढ़ाई छोड़ी थी, किसी ने कुछ जॉब छोड़ी थी, किसी ने कुछ लर्निंग्स बीच में छोड़ दी थी, कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था लेकिन बीच में छोड़ दिया, एक्सरसाइज शुरू की लेकिन बीच में छोड़ दी, पढ़ाई की अच्छे से लेकिन बीच में छोड़ दी, तो जो भी अपने बीच में छोड़ी हुई चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आप कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। ओके व्यूअर्स, यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पे भरोसा कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे, जिन पर आप विश्वास कर पाएंगे कि ये मुझे सपोर्ट करेंगे, ये कभी मुझे बैकस्टैप नहीं करेंगे। बैकस्टैप नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भरोसा कर रहे हैं किसी पर आंख बंद करके, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर ये गाइड करूंगी कि उतना ही भरोसा करें जितना डिजर्व करता है इंसान। ओके, कोई डिजर्व करता है उससे ज्यादा मत करें, क्योंकि फिर आप अंत में डिसअपॉइंट ना हो, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर किसी पर आप भरोसा करते हुए दिख रहे हैं मुझे ब्लाइंडली, तो ऐसा कुछ रिस्की नहीं है किसी पर भरोसा करने में, लेकिन फिर भी उतना ही भरोसा करें जितना कोई व्यक्ति डिजर्व करता है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप आगे मूव कर रहे हों, आपको दिख रहा हो कि मैं लाइफ में अब आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो अच्छे हैं, उस समय आप अपने पास्ट को बार बार चेक करना, अपने पास्ट को बार बार उछालना बातों में, किसी ने कुछ पास्ट में मिस्टेक की थी तो उसको बार बार याद दिला देना, किसी ने आपको हर्ट किया था तो बार बार उस बारे में बात करना, किसी ने आपको धोखा दिया है पास्ट में तो बार बार उस बात को उठाना, ये नहीं करना है आपको। लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए जो हुआ है, जो आपकी लाइफ में अब आगे होने वाला है उसको वेलकम कीजिए। ओके, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। तो रेस्ट ऑफ 2022 काफी इंटरेस्टिंग सा आपको आपके कैरेक्टर को आपके बिल्डअप करता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, तो आई होप व्यूअर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है। अगर इस रीडिंग ने आपको गाइड कर पाया है थोड़ा बहुत भी, 1% भी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है पूरी तरह से, आपको लगता है कि कुछ मैसेजेस हैं रेजोनेट हुए हैं पर कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं जो रेजोनेट नहीं हुए हैं, तो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, तो व्यूवर्स यही थी रीडिंग, और आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके व्यूवर्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाए, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप लोग उसे देख पाए। ओके, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली।